वेलकम टू सुवी एजुकेशन टूडे वी विल लर्न द फर्स्ट लेसन ऑफ द बुक हनी कॉम ऑफ क्लास सेवेन थ्री क्वेश्चन नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड आउट दिस ए किंग हैज थ्री क्वेश्चन एक राजा के तीन प्रश्न थे एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम वो उनका उत्तर चाहते थे वट आर द क्वेश्चन वो क्या प्रश्न थे द किंग गेट वट ही वॉन्ट्स क्या राजा जो चाहते थे उनको मिला द थॉट केम टू सरटेन किंग दट ही वुड नेवर फेल किसी राजा के मन में विचार आया कि वह अपने किसी भी काम में असफल नहीं होगा इफ यू न्यू थ्री थिंग्स यद उसको तीन बातें पता हो द्री थिंग्स थ्री थिंग्स वर वो कौन सी तीन चीज थी वो ये थी वट इज द राइट टाइम टू बिगेन समथिंग ये तीन बातें थी कि, कि किसी भी काम को प्रारंभ कब किया जाए विच यू पिल टूड ही लिसिन टू इन लोगों की सलाह पर वो ध्यान दें वट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू उसके लिए कौन सा काम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो हम देखेंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये तीन प्रश्न थे उसके द किंग देर फोर सेंट मैसेजर्स his हिज किंगडम राजा ने अपने दूतों को अपने राज्य में भेजा प्रोमिजिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी to anyone who would answer these three questions, और ये वायदे के साथ कि जो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देंगे उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए किंतु सभी ने उन प्रश्नों का उत्तर अलग अलग तरह से दिया इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन पहले प्रश्न के उत्तर में सम सेट उसने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली फॉर्मली और उस टाइम टेबल को फॉर्मली और स्ट्रिकली फॉलो करना चाहिए ओनली इन दिस वे सिर्फ इसी त यही एक तरीका है दिस सेड वुड ही डू एवरी थिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम यही एक तरीका है कि वो अपने किसी भी काम को सही समय पर कर पाएंगे अदर्स सैड दूसरों ने कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस राइट टाइम कुछ ने कहा कि ये बहुत मुश्किल है कि एडवांस में ही सही समय का पता लगाया जा सके अच्छे काम करने के लिए द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन राजा ने इस सब को देखा नोटिस लिया अपने संज्ञान में लाए अवॉइड फुलिस प्लेजर इस तरह से उनकी जो मूर्खतापूर्ण बातें थी उनको अवॉइड किया जाए एंड प्लेजर प्लेजर मीन्स मैरी मेकिंग जो मूर्खतापूर्ण बातें थी उनको वो डिस्कस कर रहे थे एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम और हमेशा वही किया जाए वही किया हुआ प्रतीत होना चाहिए जो उसमें आवश्यक है येट ट दैट कुछ ने कहा किंग नीडेड ए काउंसिल काउंसिल मींस ए ग्रुप ऑफ ए पीपल चूजिंग टू गिव एडवाइस टू और टू मेक रूल्स काउंसिल का अर्थ है राजा की मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद में कुछ अच्छे लोग बुद्धिमान लोग होते हैं और वो राजा को सलाह देते हैं वू वुड हेल्प हिम जो राजा को सहायता करते हैं एक्ट एट द प्रॉपर टाइम सही समय पर दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल ये इसीलिए क्योंकि किसी एक समय में ये बहुत मुश्किल होता है तू तो डिसाइड करेक्टली अच्छी बातों का उसमें पता लगाना बहुत मुश्किल होता है विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स किसी दूसरे की सहायता के बिना द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन सही समय का जो एक्शन होगा उसके लिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है बट देन अदर सेट दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट कुछ ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो शक, वो बहुत जरूरी हो सकता कोई बहुत ज़रूरी हो अर्जेंट हो दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल और ये जरूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो काउंसिल जो मंत्रिपरिषद की सलाह है उसके आवश्यक जो डिसीज़न होगा उसके लिए इंतजार करें इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम मतलब सही समय को डिसाइड करने के लिए वो डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर भविष्य के बारे में देखना बहुत जरूरी है एंड और ओनली मेडिसन could डू दैट सिर्फ और सिर्फ ये जादूगर मेडिसन जादूगर ही ये कर सकता है द किंग राजा देर फोर वुड go टू मेडिसन तो राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए इन their आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन दूसरे प्रश्न के उत्तर में सम सेट दैट किसी ने कहा द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर इज counselors. तो so, काउंसलर्स होते हैं जो मेंबर ऑफ काउंसिल होते हैं बस वही उस उन, उसमें उनकी सहायता कर सकते हैं उत्तर दे सकते हैं अदर सैड द प्रीस्ट जो पुजारी होते हैं वो भी इसका उत्तर दे सकते हैं फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स किसी ने डॉक्टर के बारे में भी बताया कि डॉक्टर भी चुने जा सके, डॉक्टर भी उपयुक्त हो सकते हैं एंड येट अदर सैड दैट इज द सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी किसी ने दूसरों ने कहा कि हो सकता है कि जो सोल्जर्स होते हैं सिपाही सैनिक वो भी उसमें बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं टू द थर्ड क्वेश्चन तीसरे प्रश्न के उत्तर में सम सेड किसी ने कहा साइंस जो विज्ञान होती है वो सहायता कर सकती है अदर्स चूज फाइटिंग किसी ने लड़ाई झगड़े को कहा एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्सिप किसी ने धार्मिक पूजा पाठ की वकालत की एज द आंसर्स टू हीज क्वेश्चन्स वर सो डिफरेंट जितने भी उत्तर आए राजा के प्रश्नों के एवज में वो सब अलग अलग थे द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड राजा उनसे सेटिस्फाइज नहीं थे एंड गेव नो रिवार्ड इसलिए उन्होंने उनको कोई भी इनाम नहीं दिया इनस्टिड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ इज सर्टेन हरमिट इसके बाद भी उन्होंने ये डिसाइड किया कि कम से कम हरमिट 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 का अर्थ होता है ए पर्सन हु लिव्स एलोन एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ एक ऐसे इंसान जो अकेले रहते हैं और एक सादा जीवन व्यतीत करते हैं तो राजा ने सोचा कि कम से कम हरमिट की सलाह ली जाए वाइडली नोन फॉर हिज विजडम जो अपने विजडम बुद्धिमता के लिए प्रसिद्ध होते हैं द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड जो हर्मिट होते हैं वो वुड वुड होता है जंगल में एक छोटा सा हट या छोटी सी एक कुटिया ए स्मॉल फॉरेस्ट जंगल में जो wood का जंगलों का जो जंगल होते हैं घने जंगल उसमें कुटिया के रूप हो सकता है या सिंपल एक चबूतरा बना करके वहाँ रहते हैं विच ही नेवर लेफ्ट सो नो वन बट सिंपल पीपल ही सो उन्होंने देखा नो वन बट सिंपल पीपल वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साधारण लोग ही रहते हैं एंड शो द किंग पुट एंड ऑर्डर क्लॉथ क्योंकि जो साधारण लोग होते हैं उनसे सिर्फ साधारण ही मिल सकते हैं तो राजा ने ऑर्डरिंग मतलब साधारण कपड़े पहने जो राजा की वेशभूषा थी उसको त्याग दिया बिफोर ही रीच द हरमेट्स हट वो राजा हरमिट की हट से पहुंचने से पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स उन्होंने अपने जो घोड़े थे अपने बॉडीगार्ड के साथ में वहीं छोड़ दिया और वो अकेले ही हट पर गए हरमिट अगेन जो संत महात्मा होते हैं उनके लिए कहा गया है एज द किंग केम नियर द हरमिट्स हट जैसे ही राजा हरमिट की कुटिया के नज़दीक आए ही सो द हरमिट डिगिंग द ग्राउंड उन्होंने हरमिट को जमीन को खोदते हुए देखा इन फ्रंट ऑफिस अपनी कुटिया के सामने खुदाई करते हुए देखा ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग उन्होंने राजा का स्वागत किया और फिर भी अपना खुदाई जो डिगिंग कर रहे थे वो चालू रखा द हरमिट वॉज ओल्ड एंड वीक जो संत थे हरमिट थे वो पुरान मतलब ओल्ड हो गए थे एज्ड हो गए थे वीक कमजोर हो गए थे एंड एज ही वर्कड और जैसे वो काम कर रहे थे ही ब्रीथ हैवीली वो लंबी लंबी सांसें ले रहे थे द किंग वेंट अप टू द हर्मिट राजा हरमिट के पास गए एंड सैड और कहा आई हैव कम टू यू मैं तुम्हारे पास आया हूँ वाइज हरमिट बुद्धिमान संत महात्मा संत महाराज टू आस्क योर आंसर थ्री क्वेश्चन मेरे जो तीन प्रश्न हैं उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए हाउ कैन आई लर्न टू डू मैं किस प्रकार से ये सीखूँ द राइट टाइम द राइट थिंग एट द राइट टाइम जो कि सही चीज़ सही समय पर हो हु आर पीपल आई नीड मोस्ट मुझे किस किन लोगों की सलाह लेनी चाहिए एंड वाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वो कौन कौन से अफेयर हैं या कौन कौन से काम सबसे महत्वपूर्ण है अफेयर्स इन्स द थिंग थिंग्स मैटर्स बिजनेस या कौन से ऐसे काम हैं जो इंपॉर्टेंट हैं द हरमिट लिसन टू द किंग हरमेट ने राजा को सुना बट किंतु डिड नॉट स्पीक उन्होंने उनको बोला नहीं कि वेंट ऑन डेकिंग और कंटिन्यूस वो खुदाई करते रहे यू आर टायर्ड किंग राजा ने कहा आप थक गए हो लेट मी टेक द स्पीड एंड वर्क इन योर प्लेस लेट मी टेक द स्पीड स्पीड होता है फावड़ा ओके okay, मुझे फावड़ा दो और मैं आपकी जगह पर खुदाई करूंगा थैंक्सर दर्मिट हरमिट ने उनको थैंक किया धन्यवाद कहा गिविंग द किंग्स इज स्पीड और राजा को अपना स्पीड दे दिया देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड और वो जमीन पर बैठ गए वन द किंग डग टू बैट्स जब राजा ने टू बैट्स बैड्स होती हैं क्यारियाँ जो इसमो जब गार्डन होता है उसमें छोटी छोटी कुछ कैरियाँ होती हैं क्यारियाँ एक जो फील्ड होता है उसके पार्ट होते हैं पार्टीशन उनके लिए कहा गया है जिसमें प्लांट वगैरह लगाए जाते हैं तो ही स्टॉप एंड रिपीटेड क्वेश्चन राजा ने अपने क्वेश्चन को रिपीट किया द हरमिट गेव नो आंसर किंतु हरमिट ने उनका कोई उत्तर नहीं दिया बट स्टूड और खड़े हो गए स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड और अपने हाथों को फैलाया द स्पेड स्पेड लेने के लिए जो फावड़ा था उसको लेने के लिए एंड सेड और कहा नाउ यू रेस्ट अब तुम आराम करो एंड वर्क और मुझे काम करने दो बट द किंग डिट नोट राजा ने स्पेड उनको नहीं दिया एंड कंटिन्यू डिगिंग और खुदाई करते रहे वन आवर पास्ट एक घंटा व्यतीत हो गया देन अनोदर उसके बाद दूसरा घंटा भी व्यतीत हो गया द सन वेंट सूर्य छिपने लगा डाउन बिहाइंड द ट्री जो जितने पेड़ पौधे थे उनके पीछे छिपने लगा एंड एंड लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड और उसके बाद में राजा ने इस पेड को जमीन पर रख दिया एंड सेड और कहा आई केम टू यू मैं आपके पास आया वाइज मैन बुद्धिमान आदमी फोर एन आंसर टू माई क्वेश्चन मैं अपने जो मेरे प्रश्न थे उनका उत्तर जाने के लिए आपके पास आया इफ यू कैन गिव मी नो आंसर यदि आप कोई मुझे उत्तर नहीं देना चाहते हो टेल मी बताओ सो एंड आई विल रिटर्न होम मैं वापस चला जाऊंगा Here comes समर उसी समय पर कोई एक दौड़ता हुआ आया सर धर्मिट धर्मिट राजा से कह रहा है उस समय कोई एक दौड़ता हुआ आ रहा था ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है फर्स्ट पार्ट के बाद में कुछ कॉम्प्रेशन चेक के प्रश्न होंगे पहला प्रश्न है वाई डिड द किंग वन टू नो आंसर टू थ्री क्वेश्चन राजा अपने तीन प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहते थे बताइए the king wanted to know the answer to three questions for his own safety success and good governance sipur sef raja apni safety ke liye acha shasan chalane ke liye अपनी सफलता के लिए ही उन तीन को प्रश्नों का उत्तर जानना चाह रहे दूसरा प्रश्न मैसेजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम जो मैसेजर था उसको अपनी जो राजधानी थी उसमें उनको भेजा गया इसलिए भेजा गया टू फैच वाइज मैन टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन टू लुक फॉर द वाइज हरमिट अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन मार्क आउटर्स नाव विच इज करेक्ट नाउ दिस इज करेक्ट टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर्स ये हमारा पहला भाग है यह पूरा हो गया है धन्यवाद थैंक यू इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट ए बिग थम्स अप शेयर प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू सभी एजुकेशन फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज